नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, इस वीडियो में आप सभी के साथ एक न्यूज साझा करेंगे। दरअसल हाल ही के अंदर एक खबर निकल कर आई है जो कि शिक्षा मित्रों के लिए थोड़ी सी दुखद होने वाली है। खबर क्या है आप स्क्रीन पर देख लें कि उप मुख्यमंत्री ने कहा नहीं होगा शिक्षा मित्रों का समायोजन। किस प्रकार से उनके द्वारा कहा गया इसकी वास्तविकता पर चर्चा करेंगे। और अगर ऊपर की हेडलाइन आप देख लें कि शिक्षा मित्रों ने चुनाव में की थी दखलंदाजी, चुनाव में शिक्षा मित्रों ने किया था विरोध, ये बातें डिप्टी सीएम के द्वारा कही गई है। लाइव प्रूफ के साथ आप सभी को दिखाऊंगा और इस पर क्या निष्कर्ष निकला है सारी जानकारियां आपके साथ साझा की जाएंगी। तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब साथियों चलते हैं अपडेट पर। अब साथियों अपडेट खुलकर आ चुकी है। आपको अपनी स्क्रीन पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिख रही होगी। ये आज की ही न्यूज़पेपर की कटिंग है जहां पर आप देख लें कि 10,000 में नहीं चल पा रही जिंदगी। दरअसल साथियों एक कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री जी के समक्ष एक ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किया गया जहां पर आप देख लें, आप यहां पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री यानी कि उप मुख्यमंत्री जी की यहां पर पिक्चर देख सकते हैं उस कार्यक्रम के दौरान जहां पर शिक्षा मित्रों ने एक ज्ञापन पत्र सौंपा। आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में शिक्षा मित्रों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ज्ञापन सौंप कर समस्याओं के निस्तारण की मांग की। उप मुख्यमंत्री ने ज्ञापन को पढ़ा और जवाब दिया कि शिक्षा मित्रों ने 2022 के चुनाव में बहुत दखल अंदाजी की है, यानी कि शिक्षा मित्रों ने 2022 के चुनाव में पूरा विरोध किया है बीजेपी का, इनके कहने का मतलब यही है। इसके बाद केवल इतनी ही बातें नहीं थी शिक्षा मित्रों के द्वारा, और कुछ भी कहा गया। यहां पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा मित्रों के द्वारा और भी मांगे सौंपी गई, जैसे कि मूल विद्यालय वापसी हो गया, समय से मानदेय आना या फिर मानदेय बढ़ोतरी, इस प्रकार से बहुत कुछ कहा गया। लेकिन उनके द्वारा लास्ट में भी ये बातें कही गई कि शिक्षा मित्रों ने 2022 के चुनाव में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी की है, लेकिन इस पर विचार किया जाएगा। फिलहाल के लिए आप ये मानकर चलें कि यूपी सरकार इस समय शिक्षा मित्रों के समायोजन के पक्ष में नहीं है, लेकिन विचार करने के लिए बोला गया है। लेकिन देखिए विचार बहुत दिनों से चल रहा है। आपको पता होगा अन्य राज्यों में शिक्षा मित्रों का समायोजन हो रहा है, यूपी ही एक ऐसा राज्य है जहां पर शिक्षा मित्रों को लेकर कोई भी सकारात्मक पहलू नजर नहीं आ रहा। केवल इतनी ही अपडेट थी आपके लिए। अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, नमस्कार।